हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो पाकिस्तान में एक सना अमजद नाम के हैं, वो स्ट्रीट्स पे जाके लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं। उनके जो होते हैं उनके बारे में पूछते हैं कि यानी कि आम पीपल लोग होते हैं जो उनसे बातें करते हैं। तो उन्होंने जो इस वीडियो का टॉपिक रखा हुआ है वो रखा हुआ है, इमरान खान इज़ नो लॉन्गर द पीएम ऑफ पाकिस्तान, व्हाई अमेरिका कैन चेंज द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो हम देखते हैं, वीडियो देखेंगे, बीच बीच में अगर मेरे को लगा था तो मैं इसके जवाब दूंगा। तो ये रिएक्शन वीडियो है, मैंने लिंक इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीरे आजम नहीं रहे। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब का कहना है कि इन सब के पीछे अमेरिका है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, अगर इन तमाम सूरत हाल के पीछे जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है अमेरिका है, तो क्या अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान की तरह इंडिया की हुकूमत, मोदी की हुकूमत भी गिरा सकता है या नहीं? तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। आपका नाम? सुहेल बलोच। मेरा नाम तैयब तारिक। जहां जेब इब्राहिम। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या आप भी अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बहुत सारे मामलात इंटरवेंशन तो करता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी जो इमरान खान कह रहा है उसमें 50-50 जो है वो सदाकत है। वाकई अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तरकुवत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह पिछली हुकूमतें गिराई हैं और जिस तरह रशिया के अगेंस्ट जिसने वोटिंग नहीं की उसकी हुकूमत किस तरह गिरी है सबको पता है। इसके में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसने गिराई किस तरह गिराई। बात ये करनी है कि अब आवाम ने निकलना है और फैसला करना है। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं? जमहूरियत इसको कहते हैं कि आवाम से फैसला करके एक सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए बंदा। अब जो हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत को कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब जो आई है ये, इसको आप क्या कहेंगे? ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? इलेक्ट तो हमने किए ही नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेड कहेंगे। और हम पहले वाले भाई की आपने बात सुनी, पहला जो बंदा था उसने ठीक बोला कि अमेरिका करता है, ठीक है, हर कंट्री करती है, हर कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पंगे लेती है, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा कह रहा है कि हमने तो इलेक्ट किया है नहीं, वो जो वोट लेके आए हैं वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वोट दिया तभी बैठे हैं पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ही किया है। ये मेरे को बात नहीं समझ आई कि हमने तो इलेक्ट किया नहीं, इलेक्ट नहीं किया तो वो पार्लियामेंट में कैसे बैठे हैं? अब पार्लियामेंट में 5 साल का टाइम है उनके पास, तो 5 साल के टाइम में अगर वो बैठे हैं तो वो अब चुने हुए पीछे पावर लेके बैठे हो ना लोगों की। जब अगली बार इलेक्शन होंगे तब पावर मत देना, अब उनके पास पावर है, वो पार्टी चेंज करें या वहां पे क्या कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, क्योंकि आपका पीछे उनका वोट है इसलिए वो बैठे हैं ना। अगर 14 पार्टियां वहां पे बैठ गई हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात है। अब वो पार्लियामेंट में जिसको मर्जी वोट करें, वोट आउट करें, वो उनकी मर्जी है। अगली बार जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब इलेक्शन आएंगे, आपको नहीं उनकी पॉलिसी अच्छी लगी, उनको हटा दो, सिंपल सी बात होती है। और पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर होती है, लॉ हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल नहीं होता। चलो आगे देखते हैं जी। हम इसको नामंजूर कहेंगे, ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी और की बात करें मुल्कों की, कि अगर इंडिया की हुकूमत इस तरह गिरती है कि नहीं गिरती, पाकिस्तान की क्यों गिरी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान खान। इमरान खान डट के खड़ा होने वाला बंदा है, ठीक है, इमरान खान ने किसी के आगे झुकना नहीं है। मोदी, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो नहीं झुका, ठीक है, जहाँ वो देखता है मेरे से ऊपर थोड़ी सी पावर है वो वहाँ पे झुक जाता है, इसलिए उसकी हुकूमत कभी भी नहीं गिरेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। पिछली हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब शाबाश भाई, एक मिनट,
इसको पीछे करते हैं, इस भाई को देखते हैं। देखो शकल अकल से तो पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। ये पता क्या होता है, आप किसी लीडर को फॉलो करते हो ना, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है जिस लीडर को आप फॉलो करते हो, क्यों कर रहे हो? अगर उस लीडर को फॉलो किया है तो उसके बारे में क्या जानते हो, उसने आज तक अपनी जिंदगी में क्या बोला है, क्या किया है, सब कुछ पता होना चाहिए। लगता है इस बंदे को पता नहीं है। अगर मोदी हम चुपते होते तो हम भाई उससे रशिया से तेल ना ले रहे होते, ठीक है? हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है तो हम अब उस झुकते होते तो यूक्रेन का साथ दे देते। अमेरिका के घुटने लग गए हैं कि इंडिया एक बारी बोल दे, इंडिया ने एक बारी भी नहीं बोला। अच्छा भाई देव, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो नहीं सुनते होगे अपने जो तुम जिस लीडर की तुम कर रहे हो ना, तुम्हें मैं उसी लीडर की, ठीक है, एक क्लिप दिखाता हूँ। वैसे तो 50 क्लिप्स हैं जो उसने बोली है इंडिया के बारे में, ठीक है? तो झुकने की बात कर रहे हो ना, एक फोटो दिखा दी मैडम ने भी, वैसे ऐसे कर दिया। वो हम झुक के प्रणाम करते हैं, वो हम रिस्पेक्ट है, वो झुकना नहीं होता उसको बोलते हैं, ठीक है? उसको हम्बलनेस बोलते हैं। और हमारे गर्दन में सरिया नहीं फंसा हुआ है कि हम अकड़ के खड़े रहें, हम एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे, हम ऐसे करें, हम झुक के काम करते हैं। हमेशा भरा हुआ जो भंडा होता है ना वो खड़कता नहीं है, जो जो खाली भंडा होता है ना, टंग 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 टंग, वही खड़कता है, जैसे इमरान खान, ठीक है? अब मैं इमरान खान की ये वाली एक लाइनें देखो जो उसने बोली थी, सुनो ये लाइन्स। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की। सुन लिया आप लोगों ने, तूने भी सुन लिया भाई, ठीक है? ये है, अपने लीडर को पढ़ो क्या बोलता है, उसको समझो, उसके पीछे जो मोटिव है वो देखो। बाकी है तभी मैं बोलना नहीं जाता ये लफ्ज बार बार, जाहिल कौम जो होती है ना वो ऐसी होती है, ठीक है? या तो दिमाग से पैदल होते हैं, इनको पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। कभी इंडिया का ना स्ट्रक्चर देखना, तुम्हें वैसे पता ही नहीं, वो कुएं का मेंढक की तरह तुम्हें यही लगता है कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलो कोई बात नहीं, एनी हो, देखते हैं भाई लोग आगे। पिछली हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब का जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन लोगों को हमायत कर रहे हैं जो अमेरिका के पीछे जो है लग के हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने अरसे से जो है वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, हमें इस कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक अमेरिका ने पीछे लग के उन्होंने हुकूमत गिरा दी, चलो 1% हम मान लेते हैं कि अमेरिका के पीछे हुकूमत लग के पीछे गिरा दी, तो कानून तोड़ने की किसने बोला था? उसको साबित करो, उसको साबित करो, उसको लेके आओ, ठीक है? उस पे केस करो, उनको अंदर डालो ना जिन्होंने साजिश की है। तुम्हारे पास ही बंदे बैठे हुए हैं ना, तुम्हारे MPs MNAs है ना, उनको उनको उनके ऊपर केस डाल दो, कोर्ट में जाके, कोर्ट में जाओ केस डालो, काम खत्म, उनको फारग करा दो। ये काम तो तुम कर नहीं रहे हो, सिर्फ लफाजी में, लफाजी बोलने से भाई कोई नहीं कुछ होता, ठीक है? बोली जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे बंदे बाहर घूम रहे हैं। अब कोर्ट में जाओ, आप उसके लेटर को दिखाओ, प्रूफ पैदा करो, ठीक है? खत्म का नहीं। ये क्या बात हुई कि अमेरिका ने ऐसा कर दिया, अमेरिका ने वैसा करती है, अजीब बात है। क्या कहते हैं उसको, एक रोशनी नजर आई थी कि अब हम इस चीज से थोड़ा सा निकल सकते हैं, थोड़ी अपनी रुख को चेंज कर सकते हैं, किसी और तरफ जाके देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है वो भी नहीं करने दिया, ये नवाज शरीफ जरदारी वगैरह ने। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो क्या मोदी की हुकूमत भी खत्म कर सकता है? जी बिल्कुल, देखें बेसिकली बात सिर्फ इतनी होती है, हुकूमत आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकली आप इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन इंटरलिंक्स होते हैं, आप अमेरिका के साथ इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या बिजनेसेस हैं,
वो सारा कंट्रीज आपस में, ये साली इंडिया जो पाकिस्तान का नहीं मामला, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, आपके सऊदीया वो भी आपके इंटर डिपेंडेंट हैं, आपके जो सारा जो एम्यूनिशन है वो सारी सप्लाई करता है अमेरिका, आपकी जो बेसिकली अब बात वही आ गई है कि आप जब तक साइकोलॉजिकली अपने खुद को रिलीफ फ्री नहीं करेंगे तब तक आप एक गुलामाना सोच के साथ जिंदगी जिंदा रहेंगे। मोदी जो है ठीक है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, तो दैट्स वाई। लेकिन वो एक खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ एक, क्या कहते हैं, एक फाइट क्रिएट कर ली थी, उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका साथ, ऐसा नहीं, उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं, तो दैट्स वाई जो है आपको डिप्लोमेटिकली तब भी हैंडल कर लेते जी, कहता जी हम जाके अपनी असम्बली में इसको डिस्कस करेंगे, जो आपको जो एयर स्पेस देना या अमेरिका को जो भी वो डिमांड करे, तो वो एक पॉलिटिकली एक प्रोसीजर चलाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करना ये गलत हुआ है उसके लिए। इसने बोला कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा तो एक ही मानना है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर को उसने एक सर्सरी क्वेश्चन पूछा था कि अगर इफ अमेरिका वांट्स एयर स्पेस और एयर बेसिस इन योर कंट्री देन व्हाट विल यू डू, उसने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, वी विल नॉट प्रोवाइड इट, तो ये बात उसने की थी। उस अमेरिका से कोई लेटर, कोई कुछ भी उसने प्रूफ किया, उसने कोई आया है उसको कि हाँ उस उन्होंने बोला था, इनका जो एनएसए था मोहित यूसुफ, उसने बोला था कि अमेरिका ने हमसे कुछ बेसिस नहीं मांगे, ये पता नहीं इसीलिए ना, ये कंट्री इसीलिए इसी भंवर में फंसा हुआ है, इसी धोखे में फंसा हुआ है, इनको ना आधी बात पता होती है आधी बात नहीं पता होती, ठीक है, आधी अधूरी कहानी चल रही है, ठीक है, तो इसीलिए जो हाफ नॉलेज होती है वो डेंजरस होती है, तो इसीलिए इनके लिए ये डेंजरस बनी हुई है। और ये कहते हैं कि अमेरिका हमें अपना मुख्तार होना चाहिए, खुद मुख्तार, अरे सिंपल सी बात है, आप खुद मुख्तार तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, भीख मांग मांग के जो मुल्क चले वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अपनी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है, जितना मर्जी आंखें दिखा, एक भिखारी है, एक अरबपति है, ठीक है, खड़ा हुआ है और उसके साथ 50 उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, ठीक है, उसको आंखें दिखाओगे, ठीक है, वो मार मार चांटे तुम्हारा मुंह भींगा कर देगा, तो बराबर की सतह पे बात करते हो तुम लोग, बराबर की सतह पे आने के लिए ना, बराबरी करने के लिए उस अपना कुछ दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ये चीज है जी, हम आपके बराबर हैं, अगर आप हमें ए चीज देते हो हम आपको बी चीज देते हो तो बराबर हो जाते हो, ठीक है, देते जीरो कुछ और बराबरी की सतह ढूंढते हो, किस लेवल पे बराबर हो, अब कंपैरिजन कभी ना देखना, अगर आप कंपैरिजन करोगे अपने आप को, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसी बातें नहीं बोला जाता जो बैड लैंग्वेज होती है, लेकिन दिमाग लगा के सोचना शुरू करो, अमेरिका से एड भी लेते हो, अमेरिका को गालियां भी निकालते हो, ठीक है, सऊदीया से एड भी लेते हो, जब सऊदीया कुछ नहीं बंद करता है तो तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं, अपना भी कुछ बना लो। अमेरिका पाकिस्तान के मामलों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, अमेरिका इसी तरह इंडिया के मामलों में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया उसके आगे झुकता है ना, ये इमरान खान ही झुकता था, कहते हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, इमरान खान सच्चा इंसान है ये बात तो है, लेकिन उसके साथ जो उसके जो टीम थी वो बस करप्शन में वो आगे ले गई, इसलिए इमरान खान को जाना पड़ा। इमरान खान झुकता नहीं है, भीख मांगने कौन जाता है, उसको झुकना ही बोलते हैं, जब मांगने तांगने जाते हो ना चाइना के पास रशिया के पास खैरात मांगने जाते हो उसको झुकना बोलते हैं, और कैसे नहीं झुकता अमेरिका, ये बोलने से भी हम नहीं तुम्हारी मानते, तो ना मानो, किसने मना किया, ना मानो किसी की बात, तो किसी कोई कंट्री को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तुम लोग जो सोचते हो ना पाकिस्तान से किसी को फर्क पड़ता है, एक ढेले का फर्क नहीं पड़ता किसी दुनिया में किसी इवन को श्रीलंका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैंक करप्ट हो चुकी है, उसको तुम्हारे इमरान से कोई ढेले का फर्क नहीं है पड़ता, उसको एब्सोल्युटली नॉट बोल, पता नहीं एब्सोल्युटली नॉट का एक पता नहीं क्या चूरन भेज दिया, ठीक है, मोदी झुकता है, ओ भाई क्या बोलूं अब मैं इस पे, क्या बोलूं, ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए देखने के लिए है कि इनका क्या हालत हो चुकी है, ये
दिमाग से भी बैंक करप्ट हो चुके हैं लोग, ठीक है, इनकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म है, ठीक है, क्योंकि इनको ना पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, ये कभी सोचते नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर देखें। एक घर होता है ना, बंदा घर के अंदर रहता है, वो सोचता है कि यही सब कुछ है, उसको ये नहीं पता कि आप दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसके शहर में क्या हो रहा है, उसकी स्टेट में क्या हो रहा है, उसकी कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपने घर के अंदर बैठ के ये चीज़ें पकाता रहता है जो आसपास। और उसमें भी ये एक सबसे बड़ी गलती इनकी पता क्या है, एनालाइज नहीं करते। एक दिमाग होता है, दिमाग बातों को एनालाइज करता है, एक बंदे ने बात बोली वो 10 जगह से कंफर्म करता है कि बात क्या है, उन 10 चीज़ों को मिला के फिर एक एक रिजल्ट जो निकलता है उस, वो हमेशा रिजल्ट सही निकलता है। मोदी झुकता है, ओ भाई। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका मोदी की हुकूमत गिरा सकता है? गिरा सकता है लेकिन गिराएगा नहीं ना। क्यों? बात यह है कि मोदी जो है वो झुकने वाला बंदा है, मोदी की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, उसको जहाँ से डॉलर आएंगे उसने वहाँ पे झुक जाना, जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, ठीक है, सो कॉल्ड, उसके बाद जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की कल तक बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को उन्होंने इस तरह वालिद साहब बनाया हुआ अपने, वो उसको पूछ रहे हैं, वो उसको पूछ रहे हैं, और सारे जब जीत गए हैं वो सारे जो एक इलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ उसके घर जाके उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, मौलाना फजलुर्रहमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो लोग इतने हमारे सियासतदानों की तरह नहीं हैं, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डाल रहे हैं। यार मुझे ना थोड़ा सा, ये बंदे ने बिल्कुल बातें सही करी, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आई इसमें, ये ना हमेशा एक रिलीजन को बोल देते हैं, इनकी 10 बातें सुनोगे ना उसमें ये बोलेंगे मुसलमान मुसलमान, पता नहीं इनको क्या कीड़ा है, मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि इनको ऐसा क्या लगता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि मुसलमान या फिर हिंदू सिख, उन्होंने लिखा कि इंडिया का कोई भी बंदा किसी भी पोस्ट पे जा सकता है, अपना प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, व्हाट्स एवर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा, यहाँ पे मुसलमान क्रीड कास्ट कोई नहीं आती चीज, ठीक है। इनको पता नहीं क्या, बंदे ने बात तो सही की है कि हम झुकते नहीं हैं, ठीक है, हमने झुकना सीखा नहीं, झुकते थे पहले भी नहीं झुके वैसे कभी, हाँ जरूर मदद लेने को झुकना नहीं बोलते, किसी से हेल्प लेना उसको झुकना नहीं बोलते, झुकना उसको बोलते हैं जब भीख लेते हैं, जब कहते हैं कि आप हमें देते रहो, हमने कुछ काम करना नहीं है, हमने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, हमने कुछ नहीं करना, आप हमें पैसे हर महीने भेज दिया करो, हम वो खर्चा करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये बात है, अगर आपने डेवलपमेंट कर ली है तो आप आज़ाद हो, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी अपनाओ, बोलो एब्सोल्युटली नॉट, बोलो कोई हमने ये नहीं बात मानते, करना धरना कुछ नहीं है, पैसे भी लेते रहना है, ठीक है, आगे हाथ जोड़ते भी रहना है, फिर भी चलो भाई क्या। मैं तो वीडियो देखी थी, मैंने सोचा कि चलो कर लूँ शेयर आपके साथ, समझ नहीं आती। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका इसी तरह इंडिया की मोदी की हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? ये मैडम का बार बार क्वेश्चन है, एक इंडियन का आंसर सुन लो इसमें मैम। अमेरिका तब तक नहीं किसी के अंदर दखल अंदाजी कर सकता जब तक उसकी गवर्नमेंट और उसके वो इंडिविजुअल हैं और अपने जो उसके इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, अमेरिका उस कंट्री में हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है। अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है, जो अपने देश से मुल्क से प्यार करते हैं ना, सच्चा प्यार करते हैं जिस कंट्री के लोग, उसमें दुनिया की कोई ताकत उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। और हमारे जो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो पावरफुल है, ठीक है, वो इन बातों में नहीं आती। और जो अगर अमेरिका करेगा भी, हम उसको समझते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, हम अपना मुल्क नहीं फूंक देंगे उसके बिहार पे। तो आंसर ये है कि अमेरिका 1% चांस है कि इंडिया में कर सकता है, लेकिन
अमेरिका, हम अमेरिका को ऐसे तुम्हारी तरह ब्लेम नहीं करना शुरू कर देंगे, हम अपने अंदर ही उसको फॉल्ट को ढूंढेंगे और उसी को दूर करके अमेरिका को लात मार के बाहर कर देंगे। ये है इंडिया, इंडिया कभी भी नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। हाँ, कमज़ोर कंट्री है तो उस पर अमेरिका कर सकता है, इंडिया कमज़ोर कंट्री नहीं है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है कभी ध्यान से देखना, इंडिया के जो ट्रेड है वो ध्यान से देखना, इंडिया की जो फौज है उसको ध्यान से स्टडी करना, इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उसको ध्यान से, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है उसको ध्यान से, ठीक है, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको ध्यान से स्टडी करना, फिर मैम आपको समझ आएगी कि इंडिया में दखलंदाजी नहीं हो सकती, आप लोगों में होती है। ये आंसर नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अमेरिका इंडिया की हुकूमत नहीं गिरा सकता, गिरा पाकिस्तान की भी नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर हमारे सियासतदान भी जो हैं वो अमेरिका की तरफ इशारे करते हैं या दीगर बैरूनी जो कुव्वत है उसकी तरफ इशारे करते हैं, लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें ये अमेरिका का रोल है, और क्योंकि अगर हम अमेरिका के खुलकर हमायत करते हैं तो इंडिया जो है इसमें मुखालफत करता है, तो लेकिन यह चीज़ सामने आती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है। इमरान खान साहब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हमेशा तारीफ करी है, उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, आप क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो सारी जो बाहर की कंट्रीज में मेन जो सीट्स हैं जहाँ पे जो आपके जैसे कि गूगल के अंदर आपके जो हेड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे भी इंडिया की अप्रोच है। आप डिफरेंट, आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है, अच्छी अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें भाई एक बात बताओ, मेरे को ये समझ नहीं आई, इस इंडिया की जो जनता है या इंडिया के जो लोग हैं अगर वो सीईओ बन गए हैं या बड़ी पोस्ट पे चले गए हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी का क्या है? क्या हम हमारे जहाँ वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं भाई इसको गूगल का सीईओ लगा दो, इसको अडोबी का सीईओ लगा दो, इसको माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ लगा दो? ये होती है एक स्टडी, ये पढ़ाई है, वो उन्होंने खुद की है, वो खुद अपने इतने काबिल बने हैं कि जाके वहाँ पे पोस्ट पे बैठ गए हैं। वहाँ पे तुम लोग सोचते हो वहाँ पे करप्शन होती है? इंडिया ने बोला, मोदी साहब ने बोला कि यार सुंदर पिचाई को ना गूगल का जरा सीईओ बना दो, ओ यार देखा इंडियंस भाइयों, देखा इनकी इन इनके इनको ना पता नहीं है भी दुनिया चलती कैसे है। ये बिल्कुल ही ना जैसे एक दिमाग होता है ना, दिमाग जो जिसकी सोचने शक्ति समझनी खत्म हो चुकी होती है, वो है ये लोग। ये क्या लॉजिक देते हैं? उसने पूछा है फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, ये बता रहा है फॉरेन पॉलिसी की वजह से सीईओ बने हुए हैं, ओ बाय गॉड। अब देखते देखा इन लोगों का दिमाग, इसीलिए ये तरक्की नहीं कर पा रहा मुल्क, इसीलिए ये अब तक इनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है, इनकी सोचने की शक्ति है ही नहीं। इंडिया इनसे हजारों गुना ऊपर सोचता है। आम बंदा, मैं कहता हूँ आम बंदे को भी ना पता है कि आप किस तरक्की कैसे होती है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, मैं अपनी जाके मैंने मेहनत की, ठीक है, तब मैं कंपनी में तरक्की लेता हूँ। ये जैसा इनका मुल्क है ना, जैसे ये सोचते हैं कि सिफारिशें लग के यहाँ चले गए, सिफारिशें ये सोचते हैं दुनिया में हर जगह सिफारिश लग के सीईओ बना जा सकता है। वाह शाबाश। आपके जो फॉरेन फॉरनर्स हैं जिनको यहाँ पे वोट का हक नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बात ये है कि आज़ाद पॉलिसी पाकिस्तान में जब लाने की कोशिश की गई है ना, तो उसको वो ही नहीं किया गया, तस्लीम ही नहीं किया गया, ठीक है। इंडिया अगर आज़ाद पॉलिसी आप देखते हैं, इंडिया वो सिर्फ एक गेम खेलता है, वो बैक एंड पे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे एक इनोसेंट सा बन के दिखाया था कि हम तो आज़ाद पॉलिसी लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपनाओ, लेकिन जब हम अपनाने की तरफ जाते हैं तब ये जो कुछ गुलामी पसंद लोग हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, उसके आगे हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉलर्स के पीछे पूछते हैं, हम डॉलर्स को, हम तो उनके बगैर रह नहीं सकते। और उनके जो हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है, तो हम कहाँ से आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आएंगे, हम आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ कहाँ से लेके आएंगे। और ये जो शबाशिव साहब हैं, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, लानत के मैं भेजता हूँ इस लाइन पे, ठीक है। ये लाल टी शर्ट वाला ना कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता है। बातें सुनी इसकी, ठीक है, आज़ाद पॉलिसी
इंडिया की, इंडिया पीछे से कुछ करता है आगे से कुछ करता है। ओ भाई, कहाँ से पढ़ते लिखते हो, कहाँ क्या सोचते हो? इंडिया जो आगे से वो ही पीछे से करता है, ठीक है? इंडिया किसी की मिन्नते नहीं करता है। और आज़ाद पॉलिसी इसलिए है हमारी कि हमारे हम बहुत तगड़े ट्रेडर हैं, हम बिजनेसमैन हैं। सल्यूट उसी को होता है जिसके पास पैसा होता है, ठीक है? तुम कहते हो कि अमेरिका, अमेरिका से पैसे मिलते हैं तुम्हें, एड मिलती है। कभी एड का नाम सुना है? एड को पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, वो आप ट्रांसलेट कर लेना। एक एड होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? एड और इन्वेस्टमेंट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। एड भीख होती है, जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में भीख बोल देते हैं। तो तुम भीख लेते हो तो तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है? उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई वो नहीं कर रहे कि हम तुम वहां पे बहुत तगड़ा वो ट्रेड कर रहे हो कि दुनिया मर रही है। क्या बात करते हो यार, क्या है? और हाँ, ये बोल रहे हैं बैगर कांट बी चूजर्स, इनको यही नहीं पता कि ये एक वो चीज नहीं है, ये एक इडियम्स है, ठीक है? कहावत है कि जो कमजोर आदमी होता है ना, बैगर्स कांट बी चूजर्स का मतलब होता है कि भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम बैगर हो, जब कोई उसको बैगर के संबोधन कर रहा है। इसका यार, पढ़े लिखे होते हैं तो पता होता है। इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बैगर कांट बी चूजर्स एक इडियम्स है। इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि एक जो कमजोर बंदा होता है उसके पास चॉइस नहीं होती। अगर आपका मुल्क कमजोर है, ठीक है, पैसा नहीं है, तो उसके पास चॉइसेस नहीं होती। वो जाके उसको किसी ना किसी से लेना पड़ता है और उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं कि ठीक है जी, मैं हम आपके लिए ये कर देंगे। अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। तो बैगर एंड चूजर्स का मतलब ये होता है। और तुम इन्होंने तो, तुमने एक लाइन पकड़ ली जो तुम्हारे वो, मैं कहना नहीं चाहता भी नशाई या कुछ, ठीक है, उसको मिस्टर एब्सोल्युटली नॉट जो तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, उसने एक लाइन पकड़ ली। उसने, उन्होंने खुद बोला हुआ है तुम लोगों, ये इडियम्स यूज होता है, ये कहावत है। पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख के आए हुए हैं यार ये। वी आर नॉट बैगर्स, ओके? शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट बैगर्स, ओके? वो सही। बाय गॉड, ये कैसे, अगर पढ़ा लिखा होता है ना तो इसको पता कि ये कैसे यूज होता है, ये मुहावरा है। और बैगर से तुम नहीं होगे यार बैगर, मेरे को पता है तुम कटोरा लेके सड़कों पे, यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पे भीख नहीं मांग रहे हो। लेकिन जो आपका स्टेट है वो तो कंट्री के पास जाके पैसे मांगती है ना, उसको बैगर बैगिंग ही कहते हैं। अपना मुल्क चलाने के लिए किसी को कहना कि यार थोड़े पैसे दे दो, 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, हमें अपना मुल्क चलाना है, आप वो बोल देंगे कि ठीक है आप ये कर लो, हमें इसके बदले में ये दे दो। अरे फ्री फंड में तो दुनिया में कुछ नहीं है। फ्री फंड में तो जो आप सांस ले रहे हो ना, ये भी फ्री नहीं है। जो सूरज की रोशनी ले रहे हो, ये भी फ्री नहीं है। गलतफहमी मत रहो, दुनिया में आए हो तो उसके बदले में आपको देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ देते हो तब आपको सूरज की रोशनी भी तभी मिलती है। ये जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, इसके बदले में भी देना पड़ता है। मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ आती, वैसे तुम लोग, तुम जाहिल हो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सांस लेने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, खाना आता है पैसों से, ठीक है? खाना नहीं खाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी आएगी तभी ऑक्सीजन मिलेगी, तभी जिंदा रहोगे, ठीक है? जिंदगी में हर चीज का मोल है। इस धरती पे आए हो तो हर चीज का पैसा लगता है, एक कदम उठाने का भी पैसा है, पैसा काउंट्स है। दुनिया में दूसरा नाम जो भगवान का नाम है वो पैसा है, सेकंड नंबर पे आता है भगवान, जिसको हम पैसा बोल सकते हैं। शरीर में एनर्जी होगी तो पैर भी नहीं उठेगा, एनर्जी लाने के लिए पैसा खर्च करके बॉडी में कुछ डालना पड़ेगा। भिखारी नहीं है, ये कहते हैं अपने मुल्क के लिहाज से वो सही सोचते हैं, हमारी तरह नहीं है ना कि हमने पहले ईरान के साथ दोस्ती रखी हुई थी, बाद में फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए, दोबारा से दोस्ती कर ली, फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए। बाकी मुल्कों के साथ भी इस तरह से ही है, तो उन्होंने तो एक लिहाज से सही रखा हुआ। इमरान खान साहब ने हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की एक आज़ाद पॉलिसी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है? फॉरेन पॉलिसी उनकी भी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या रियासती अदारे हैं उनमें मुखालफत जब होती है, इख्तलाफ होता है, तनकीदी जो महाज आरई होती है,
तब जाकर ये सारी सूरतयाल पैदा होती है, वरना हमारी भी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। पाकिस्तान कैद आजम ने जब बनाया था तब से लेकर अब तक कैद आजम के बाद जो है ये इख्तलाफात की जंग रही है, और ख़ास तौर पर ये इक्तदार के हवाले से जो है वो ज़्यादातर रही है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए। आप तुर्की को देख लें या इसके अलावा दीगर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्टैंड लेते हैं, खास तौर पर तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है और अमेरिका को जूती की नोक पर रखता है। जी तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। तो भाई लोगो, आपने यहाँ पे देखी वीडियो, अब मैं इस पर क्या बोलूँ, मैंने काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, ठीक है, क्योंकि ये होता है फ़र्क इंडिया के लोगों में और पाकिस्तान के। मैं आज गलत नहीं बोलना चाहता किसी को भी पाकिस्तानी को, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इनका ख़िलाफ़ होता हूँ क्योंकि गुस्सा आता है। अब गुस्सा करना मैंने ना थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खुद ही बोलता हूँ कि दीवार के साथ आप जितना मर्जी मारोगे ना, सिर आपका सिर फूटेगा। इनका तो कुछ जाना नहीं है, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनका। तो क्या बोलें इस पर, आपने सुनी ही लिया इनकी बातें, ठीक है, आधी बात करनी है आधी बात छोड़ देनी है, वो होता है कि अपने मतलब की बात रख लो दूसरी बात को छोड़ दो। तो इनका ये है, अगर ये दोनों बातों को लेंगे ना, एनालाइज करें तो कुछ सोल्यूशन निकलता है। अगर ऐसे ही चलना है ये चलेगा मुल्क ऐसे ही। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। हम इंडियंस जो इनके साथ जो पीस अमन की आशा वाले हैं, जो जाना चाहते हैं, जो इनके साथ मिलेंगे तो उनकी भी रंगत वैसी हो जाएगी जैसे इनके साथ मिलेंगे। तो मेरा मकसद तो यही होता है कि उस चीज़ से दूर रहना चाहिए जिस चीज़ से हमें नुकसान होता है, ठीक है। आप, मैं इनको दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि इनकी सोच आप तक पहुँचे, ठीक है। ये है इनकी सोच, ये है किसी के बारे में सोचते हैं। इन अगर इनको पता भी होगा ना, इनके दिमाग में ये होता है कि अगर इनको पता भी है ना कि इंडिया बैटर है, तब भी ये रीज़न है कि इनका जो एक आप जो दिल होता है ना वो मानता नहीं है, वो बोल नहीं पाता, क्योंकि इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी हुई हुई है, एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम बोलेंगे तो हम झुक नीचे हो जाएंगे। अल्ले पल्ले कुछ नहीं है जिनके, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है इनके, तो इनको ये लगता है कि हम नीचे चाहे बातों से ही नीचे ना हो, रियलिटी इनके बहुत दूर है, रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है पाकिस्तान। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका ना कोई पास्ट था, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई अगर आगे आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि एक दिमाग होता है उसको, इसको इवॉल्व होने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सोच समझ की ज़रूरत पड़ती है, झुकना पड़ता है। जो चीज़ झुकती नहीं है, जो अकड़ के रहती है, वो टूट जाती है। मेरी बात फॉलो करना, जो बंदे ने झुकना नहीं सीखा ना, जिस बंदे में अकड़ होगी वो बंदा टूट जाता है। जिसमें लचक होगी ना, समझने सोचने समझने की शक्ति होगी, गलतियाँ मानना, उसको एक्सेप्ट करना, सारा कुछ जान के लचक दिखाता है, वो हमेशा कामयाब होता है। अकड़ वाला बंदा आज नहीं तो कल टूटता ही टूटता है। और मैं तो प्रडिक्शन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में कई में, वो आपने अगर चेक करनी है तो चेक कर लेना, मेरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो इनका हाल तो यही होना है, मेरा आज दिखाने का मकसद यही था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई लोग, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ अपने इस नेशन फर्स्ट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है ताकि मैं आपको एक चेहरा ला के दिखाऊँ और अपने व्यूज़ लूँ और आपके भी व्यूज़ मैं ले सकूँ इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देना, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर जो नए लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस मीडिया वॉरफेयर में एक स्ट्रेंथ बनो यूट्यूबर, इस मीडिया वॉरफेयर में इसको सब्सक्राइब करके आप भी सोल्जर बन जाओगे। तो आज के लिए यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।